मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली एनआईआरएफ रैंकिंग इस बार 8 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जारी करेंगे। सूची को लेकर अभी से प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। एनआईआरएफ रैंकिंग में पिछले दो सालों से टॉप में 100 में राजस्थान विश्वविद्यालय जगह नहीं बना पाया है, जिसको लेकर इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय टॉप 100 की सूची में आए। लेकिन पिछले वर्ष 2018 में भी जारी रैंकिंग में मानक पूरे नहीं करने पर राज्य का सबसे बड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय ओवरऑल रैंक में 179 रैंक पर रह गया था। 2016 से शुरू हुई इस रैंकिंग में राजस्थान विश्वविद्यालय टॉप 100 में जगह बनाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि रैंकिंग की शुरुआत के साथ ही 2016 में टॉप 100 रैंकिंग में प्रदेश के 7 संस्थानों ने जगह बनाई, लेकिन वह लगातार घटते हुए 2018 में सिमटकर सिर्फ 2 ही रह गई। इसमें भी प्रदेश के राज्य सरकार की ओर से संचालित विश्वविद्यालय में एक भी जगह नहीं बना पाया। ऐसे में इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।